वेलकम टू ज्ञान श्री एजुकेशनल ट्यूटोरियल। आज का हमारा टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो आपके स्टेट सीटेट और केवीएस में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी उसके। तो स्टार्टिंग करते हैं इसके बेसिक से। सबसे पहला आता है साइकोलॉजी। इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि भाई साइकोलॉजी जो वर्ड है वो किससे लिया गया है, किससे लिया गया है? साइकोलॉजी वर्ड लिया गया ग्रीक वर्ड से, ठीक है। दूसरा, कितने वर्ड से लिया गया है साइकोलॉजी? लिया गया दो वर्ड से। फर्स्ट है साइकी, दूसरा है लोगोस। फिर साइकी का मतलब कई बार पूछ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सावला आत्मा, ठीक है। लोगोस का मतलब होता है साइंस और स्टडी ऑफ सब्जेक्ट, मींस इसको विज्ञान मानते हैं साइंस का, ठीक है। फिर दूसरी बात आती है इसमें साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या होती है? साइकोलॉजी होती है स्टडी ऑफ बिहेवियर, ठीक है। इसमें दो चीजों का बिहेवियर मेजर किया जाता है, फर्स्ट होता है ह्यूमन बींग्स का और सेकेंड एनिमल्स का, ठीक है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट साइकोलॉजी लैब किसने बनाई थी, ठीक है। फर्स्ट साइकोलॉजी लैब बनाई थी विलियम गुंड ने। इसने कब बनाई थी? 1879 में। कहां पे बनाई थी? लीपजिंग यूनिवर्सिटी थी, जो कहां पे थी? जर्मनी में, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन जिसको हम बोलते हैं एपीए, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी हुई थी 1892 में, 1892 में, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? एपीए, एपीए की स्थापना हुई थी 1925 में, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि फर्स्ट रिसीप्ट ऑफ ए डॉक्टरेट डिग्री इन इंडिया इन साइकोलॉजी, मतलब साइकोलॉजी में सबसे पहले पीएचडी किसने की थी इंडियन ने? उसका नाम है गिरिंदर शेखर बोस, जीएस बोस। इसको इंडिया का विलियम बुंट भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद बात आती है साइकोलॉजी के स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। इनमें से एक क्वेश्चन की श्योरिटी होती है, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि इस स्कूल के संस्थापक किसने, कौन है, या इस स्कूल के बारे में किसने बताया था, ठीक है। फर्स्ट है फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म किसने दिया था? 1895 में विलियम जेम्स ने, ठीक है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि फंक्शनलिज्म के जनक कौन है? विलियम जेम्स, ठीक है। सेकेंड आता है साइको एनालिसिस, या साइको एनालिटिक भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। ये कब आया था? 1900 में। ये किसने दिया था? सिगमंड फ्रॉयड ने, ठीक है। और इसमें से सिगमंड फ्रॉयड के बारे में एक दो क्वेश्चन और बन जाते हैं, वो भी मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। इन्होंने क्या बताया? एक तो बताया इड, ईगो, सुपर ईगो, पर्सनैलिटी की तीन स्टेजेस बताई हैं, ठीक है। और दूसरा इन्होंने माइंड के बारे में बताया कि माइंड की भी तीन स्टेजेस होती है, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, ठीक है। फिर उसके बाद आती है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। किसने की थी? कोलर, कोफका और वर्डाइमर में। इसका पता कैसे चला था? 1920 में कोफका ने गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के नाम से बुक लिखी थी, तब इसका पता चला था। बाकी इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट बहुत पहले कर लिया था, 1912 से 16 में। कापी किया था इन्होंने कैनरी आइलैंड पे किया था, जो जर्मनी में। चिंपैंजी पे किया था, जिसका नाम इन्होंने सुल्तान रखा था, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म की स्थापना कब हुई थी? 1924 में। किसने की थी? जेबी वाटसन ने। और जो हम साइकोलॉजी में पढ़ रहे हैं, मैंने पहले भी बताया था आपको कि स्टडी ऑफ बिहेवियर है, वो डेफिनेशन किसने दी थी? जेबी वाटसन ने दी थी, क्योंकि ये मानता है कि बिहेवियरिज्म के द्वारा सब कुछ सीख सकते हैं। एक क्वेश्चन कॉमन है, स्टेट में कई बार आता है वो, कि आप मुझे है ना कोई भी बच्चा लाके दीजिए, जिसको आप जैसा बोलोगे उसको मैं वैसा ही बना दूंगा। तो ये स्टेटमेंट किसने दिए? जेबी वाटसन ने दिए। ये कहता है भाई इंसान का आईक्यू वगैरह कुछ भी मैटर नहीं करता, उसके लिए केवल और केवल उसका जो सोसाइटी होती है वही मैटर करती है, उसको जो हम चाहे वो बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ जेबी वाटसन ने बताया। फिर उसके बाद आती है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच किसने दी थी? कार्ल रोजर्स एंड अब्राहम मैस्लो, ठीक है। कब दी थी? 1991 में। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट स्कूल कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में किसने बताया? इसके संस्थापक कौन है? विगोत्स्की। और लास्ट आता है इसमें कॉग्निशन डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट या कॉग्निशन, इसके बारे में किसने बताया? जीन पेजे ने बताया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सीधा पूछेंगे ओरिजिन ऑफ साइंसेज है, ये किसने दिया था? दिया था डार्विन ने, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है साइकोलॉजी ओरिजिनेटेड, मतलब साइकोलॉजी किस सब्जेक्ट से ओरिजिनेटेड हुआ है, किस सब्जेक्ट से इसका मतलब निकल के आई है? तो ये आई है फिलोसफी से, ठीक है। फिर इसके बाद आती है फील्ड थ्योरी। फील्ड थ्योरी किसने दी थी? कर्ट लेविन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकोफिजिक्स। साइकोफिजिक्स के जनक किसे माना जाता है? फिचनर को, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट ये कई बार पूछ लेते हैं कि भाई मास्टर ग्लैंड क्या है? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, और ये सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था, स्टेट में ईच वुमन सेल कंटेंस हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स? 23 पेयर होते हैं, जो और इसमें 20 जो थर्ड पेयर होता है वो सेक्स डिटरमिनेंट भी होता है, और मेल के पास कौन से होते हैं? एक्स वाई, और फीमेल के पास होते हैं एक्स एक्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और मिक साइकोलॉजी का जनक किसे माना जाता है? विलियम मैकडूगल को। और इसमें ये क्वेश्चन है अगला नेक्स्ट, डायनामिक साइकोलॉजी का जनक किसे माना जाता है? सिगमंड फ्रॉयड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमल इंटेलिजेंस। सीधा डायरेक्ट पूछेंगे कि एनिमल इंटेलिजेंस के बारे में किसने बताया? थोर्नडाइक ने। और थोर्नडाइक पहला ऐसा साइकोलॉजिस्ट हुआ जिसने एनिमल्स पे रिसर्च करनी स्टार्ट की थी, और जो इसने पीएचडी की थी वो भी इसने एनिमल पे की थी, और इसके टॉपिक का नाम था एनिमल इंटेलिजेंस। और थोर्नडाइक के बारे में एक चीज और है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट, आधुनिक
ठीक है। फिर इसके बाद आती है क्लासिकल कंडीशनिंग। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी थी, क्लासिकल कंडीशनिंग दी थी आईपी पेवलो ने, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछते हैं कि भाई जो पेवलो था क्या था, वो था फिजियोलॉजिस्ट, ठीक है। और एक क्वेश्चन इसमें बनता है कि भाई पेवलो को नोबेल प्राइज कब मिला था, 1904 में, किसके लिए मिला था, डाइजेशन की वजह से, न कि साइकोलॉजिस्ट की वजह से, ठीक है। और जो क्लासिकल कंडीशनिंग होती है कैसे अकर करती है, इन एन एस्टेब्लिश मैनर, मतलब एक एस्टेब्लिश मैनर में ही चलती है। और इसमें क्या कैसे होती है, स्टिमुलस सब्स्टिट्यूशन होता है इसमें। स्टिमुलस सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या, स्टिमुलस क्या होता है, जो इमीडिएटली एक्सपीरियंस्ड बाय ए पर्सन, जिसको हम अचानक से देखते हैं, ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, वो स्टिमुलस को चेंज किया जाता है, जिस तरीके से पहले क्या करता है भोजन देता है, उसके बाद जो घंटे की आवाज सुनाता है वो क्या होता है, स्टिमुलस सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। फिर इसमें एक क्वेश्चन क्या बनता है, इसमें जो इसने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, कुत्ते पे किया था, डॉग पे, ठीक है। और वो कैसे रहता है उसके अंदर, इसकी लैब के अंदर, क्लासिकल लैब के अंदर पेशी होता है, मतलब वो हिलडुल नहीं सकता, उसको बांध के रखा जाता है कमर से, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें कि क्लासिकल कंडीशनिंग किस ऑर्डर की कंडीशनिंग है, ये है हायर ऑर्डर कंडीशनिंग, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें ये पूछ लेते हैं कि भाई जो क्लासिकल कंडीशनिंग में है वो लर्निंग पीरियड होता है वो कैसे होता है, एक्विजिशन होता है, मतलब वो एक्वायर किया जाता है, ठीक है। फिर इसमें इसने क्लासिकल कंडीशनिंग में इसने इसकी चार स्टेजेस बताई है कि भाई कैसे कैसे पहला अपना एक्सपेरिमेंट कुत्ते पे करता है। फर्स्ट क्या है, यूसीएस, जिसको बोलते हैं अनकंडीशन स्टिमुलस, मतलब जिसमें किसी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं दी होती, ठीक है। और इसमें किसने इसमें किसी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं दी थी, जब उसने भोजन उसके सामने प्रेजेंट किया था, तो इसमें इसने किसी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं दी थी, ठीक है। इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, यूसीएस के अंदर क्या क्या आते हैं, तो आपको चार ऑप्शन दे देंगे, फूड, फूड भोजन को देख के सलाइवा टपकाना, या घंटे की आवाज, या घंटे की आवाज को सुनकर साउंड को, ठीक है। चार ऑप्शन दे देंगे, ऐसे पूछ लेंगे कि भाई जो भोजन है वो किसके अंदर आता है, तो ये आता है यूसीएस के अंदर, अनकंडीशन स्टिमुलस, ठीक है। दूसरा है अनकंडीशन रिस्पॉन्स, मतलब जिसमें किसी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं दी और उसने कुत्ते ने क्या रिस्पॉन्स दिया, भोजन को देख के सलाइवा टपकाना, मीन्स भोजन को देख के लार टपकाना, वो सेकंड हो गया, ठीक है। फिर थर्ड आता है सीएस, सीएस क्या होता है, कंडीशन स्टिमुलस, मतलब इसने क्या कंडीशन दी थी, इसने कंडीशन दी थी घंटे की आवाज को, ठीक है। और घंटे की आवाज का इसने कितना टाइम रखा था, 0.2 से लेकिन 2 सेकंड के बीच का रखा था, तभी वो कंडीशन सक्सेसफुल होती है, 0.2 से और 2 के बीच में टाइम रखेंगे, और इसने अपने एक्सपेरिमेंट में टाइम रखा था 0.5 सेकंड, जो इसके बीच में आता है, ठीक है। फिर लास्ट आता है कंडीशन रिस्पॉन्स, ठीक है, जिसमें मतलब इसने कंडीशन दी और उस पर उसने कुत्ते ने रिस्पॉन्स दिया, क्या रिस्पॉन्स दिया था, कुत्ते ने घंटे की आवाज सुनकर लार टपकाई थी, ठीक है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन आता है ऑपरेट कंडीशनिंग, ऑपरेट कंडीशनिंग किसने दी है, ऑपरेट कंडीशनिंग दी है बीएफ स्किनर ने, ठीक है। या कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि ऑपरेट कंडीशनिंग है उसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका नाम है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ठीक है। या एक क्वेश्चन ये बनता है कि भाई बीएफ स्किनर ने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, रैट पे किया था, उसने इसको क्या किया था, स्किनर बॉक्स के अंदर उसको रखा था, लेकिन इसमें और पेवलो के में क्या फर्क था कि इसमें जो चूहा होता है उसका वो एक्टिव होता है, बट जो पेवलो में कुत्ता था वो पैसिव होता है, उसको बांध के रखा जाता है, बट चूहे को इसमें फ्री छोड़ा जाता है स्किनर बॉक्स में कि वो कहीं पे भी हिल डुल सकता है। तो ये हो गया आपका ऑपरेट कंडीशनिंग किसने दी थी, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग इसका दूसरा नाम है, ये किस पे किया गया था, चूहे पे किया गया था और वो एक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म, थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म किसने दिया था, थोर्नडाइक ने दिया था, ठीक है। इसमें मैंने पहले भी बताया था, इस वीडियो में भी जिक्र किया कि थोर्नडाइक को क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल एनिमल साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। इसने जो अपनी पीएचडी की थी वो एनिमल्स पे की थी, और इसका नाम था इंटेलिजेंस, एनिमल इंटेलिजेंस जिस टॉपिक का नाम था, जिसपे इसने अपनी थीसिस सबमिट करवाई थी, ठीक है। फिर इसके बाद आती है कि इस मेथड को एक मेथड और बोलते हैं, थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म को बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड का क्या मतलब है कि भाई पहली बार आप गलती करोगे, दूसरी बार करोगे, तीसरी बार करोगे, लेकिन चौथी बार सीख जाओगे, चौथी बार नहीं कर पाओगे तो पांचवी बार, मतलब ट्रायल करते रहो जब तक आप नहीं सीख पाओ, ठीक है। और इसने इनसाइट की अपने एक्सपेरिमेंट में कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दी, जिस तरीके गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट है वो मानते हैं कि इंसान जो कुछ भी सीखता है वो सब कुछ सूझ के द्वारा सीखता है, बट थोर्नडाइक उसके उल्टे क्या करता है कि इंसान केवल और केवल एक्सरसाइज के द्वारा सीखता है और ट्रायल एंड एरर मेथड के द्वारा सीखता है, ठीक है। इसमें इसने जो सीखने के तीन नियम बता रखे हैं, फर्स्ट नियम बताया लॉ ऑफ रेडीनेस, ठीक है, इसको बोलते हैं तत्परता का नियम। इसमें क्या होता है, इसने तत्परता के नियम में जिस तरह इसमें तीन चीजें बताई है इसने, फर्स्ट क्या बताई है, जिस तरीके से मान लीजिए किसी को, किसी भी आप एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी लड़का है, ठीक है, उसका किसी काम में करने में इंटरेस्टेड है और उसको काम करने दिया जाता है, तो उसमें क्या होगी, खुशी की भावना आएगी, ठीक है। दूसरा इसने बताया किसी भी लड़के का, उसी लड़के का किसी काम करने में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन फिर भी उसको विवश किया जाता है, तो उसके अंदर क्या आएगी, एनोयंस की भावना आएगी, मतलब खींच की भावना उत्पन्न होगी। और तीसरा क्या है कि उसका इंटरेस्ट नहीं है लेकिन
उसका किसी चीज को करने में इंटरेस्ट तो है लेकिन उसको काम करने नहीं दिया जाता तो भी क्या होगी उसके अंदर एनोयंस की होगी, मतलब तत्परता में। और इसमें एक क्वेश्चन आया था 2-3 साल पहले जब स्टेट हुआ था उसमें आया था कि भाई थोंडाई के अनुसार तीनों में से गौण नियम कौन सा है या सबसे मतलब नीचे का नियम कौन सा है, तो वो लॉ ऑफ रेडीनेस, इसको इसने सबसे कम इंपोर्टेंस दी है। दूसरा है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में इसने क्या बताया है कि हम जितनी भी ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतने ही ज्यादा सक्सेसफुल होंगे या उतने ही ज्यादा उस एक्ट को जल्दी से कर पाएंगे। जिस तरीके से इसने अपने बिल्ली पे एक्सपेरिमेंट किया था उसमें इसने इनसाइट की कोई भी वैल्यू नहीं दी और इसने केवल ये कहा था कि बिल्ली जो कुछ भी सीखती है जिस तरीके से दरवाजे को खोलती है नोक को अपना पंजा दबा के या बॉडी का कोई भी पार्ट टच करके तो उसको इसने कहा केवल और केवल एक्सरसाइज के द्वारा सीखती है, ठीक है। और थर्ड आता है इसका लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट को इसने सबसे ज्यादा पावरफुल नियम मानना है। लॉ ऑफ इफेक्ट में क्या होता है कि जिसका भी हम जिस भी चीज पे हमारा ज्यादा इफेक्ट होगा ना हम उसी काम को करेंगे। जिस तरीके से मैं आपको एक लोकल एग्जांपल दे देता हूँ, जिस तरीके से मान लीजिए आप स्टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हो लेकिन आपको ये पता है कि भाई स्टेट सीटेट से क्या हो जाओगे आप टीचर्स के लिए कहीं एलिजिबल हो जाओगे लेकिन आपको कोई ये बोल दे कि भाई इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है इसका कोई मैटर ही नहीं है फिर आप स्टेट सीटेट नहीं करोगे तो इसका कहने का क्या मतलब है। जिस चीज पे आपका इफेक्ट है ना आप उसी काम को करते हो उसको इसने कहा लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है। इसमें नेक्स्ट आता है कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, कि लर्निंग कितने तरीके से ट्रांसफर होती है, ये क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि भाई कितने तरीके से हम लर्निंग को ट्रांसफर कर सकते हैं, तो 3 तरीकों से ट्रांसफर कर सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 ट्रांसफर, ठीक है। पॉजिटिव ट्रांसफर में क्या होता है कि एक फील्ड को हम कर लिया और वो दूसरे फील्ड में सहायता करता हो। जिस तरीके से आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मान लीजिए कोई लड़की है उसको स्कूटी चलानी आती है, ठीक है, तो स्कूटी चलाने के बाद उसको बाइक इजिली आ जाएगी, वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। या भाई किसी को साइकिल चलानी सीख ली फिर वो स्कूटी चलानी सीखती है तो उसको जल्दी से आ जाएगी। या जिस तरीके से आप अपने एजुकेशन में भी ले सकते हो, जिसकी मैथ अच्छा होगा उसका फिजिक्स अच्छा होगा क्योंकि वो न्यूमेरिकल पोर्शन उसमें फिजिक्स में आते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। दूसरा आता है नेगेटिव ट्रांसफर, ठीक है। नेगेटिव ट्रांसफर में क्या होता है वो उस पर नेगेटिव इफेक्ट डाले, जिस तरीके से हम नॉर्मली वॉकिंग करते हैं लेकिन वो सबके लिए हेल्पफुल है लेकिन कई बार जो हर्ट का पेशेंट होता है उसके लिए ज्यादा वॉकिंग करना क्या होगा उस पर नेगेटिव इफेक्ट डालेगी, तो वो क्या होगा नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तीसरा होगा 0 ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। 0 ट्रांसफर का ये मतलब होता है कि इसका किसी चीज में कोई इफेक्ट नहीं होता। जिस तरीके से मान लीजिए आपको हिंदी आती है, ठीक है, लेकिन हिंदी सीखोगे आप फिर उसके बाद आप कहोगे भाई मैं हिस्ट्री सीखूंगा लेकिन वो कहीं कोई इन दोनों का कहीं पे किसी प्रकार से कोई कॉम्बिनेशन नहीं है हिस्ट्री और हिंदी का, तो वो क्या हो गया 0 ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, मतलब दोनों एक दूसरे से कहीं पे भी मेल जोल नहीं खाते हो, ठीक है। फिर लास्ट है इसमें सोशल लर्निंग थ्योरी, किसने दी थी, वो दी थी बंडूरा ने। और उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगली वीडियो को देखने के लिए आप ताकि अपडेट रहें तो इसके लिए आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।